कहाँ जा रहे हैं? गाँव वे बेटा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं जस्ट उठ रहा हूँ, बिस्तर भी हूँ देख सकते हुए। तो आज संडे है तो हमारा प्लान है घूमने के लिए जाने का। तो अभी जिया जी को मैंने कॉल किया था, वो कह रहे थे कि मेरे गाँव चलेंगे करके, वहाँ पर मम्मी लोगों को भी मिले आऊँगा। तो मैं उठ चुका हूँ और नहाना धोना करता हूँ, उसके बाद जल्दी से रेडी होता हूँ। वो तो रेडी हो चुके हैं, क्योंकि पहले तक मुझे पता नहीं था, उन लोगों ने तो पहले ही प्लान बनाया हुआ था। इसलिए मैं जल्दी से नहा धोना के तैयार होता हूँ और चलते हैं उसके बाद। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। चल ढूंढ लाए सारी मासूम सी खुशियां। अब जाके हम गांव के रोड के लिए कटेंगे। ये रहा गांव के लिए रोड और यहाँ से हम सीधे गांव के लिए जाएंगे, लेकिन कच्ची रोड है तो हमने बहुत ही सावधानी से इस रोड पे जाना होगा, क्योंकि देखो यहीं से खराब होने लग गया, तो न जाने आगे और कैसी होगी रोड। तो हम अभी निकल रहे हैं इस रोड से आगे की तरफ, देखते हैं कैसा रहता सफ़र। तो गाइज, हम लोग जा रहे थे आज जीजाजा जी के गांव में, और रोड ख़राब होने के कारण हम लोग पैदल जा रहे हैं। जीजाजी तो आगे निकल गए और हमारे बीर जी सो रखे हैं, तो इनको मैं ले जा रहा हूँ। रोड बहुत ख़राब है, एक बार मैं दिखाता हूँ आप लोगों को रोड यहाँ की। रोड काटी गई है जब चुनाव चल रहे थे यहाँ पे, तो अपने वोट के चक्कर में ऐसी रोड काट दी थी, उसके बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसी मुसीबतों के साथ यहाँ पे गांव वाले झेल रहे हैं ये मुसीबत, और देख सकते हो आप लोग, दो आदमी एक साथ बैठ के नहीं जा पा रहे गाड़ी में। जिया जी यहाँ अकेले चला रहे हैं, हम लोग पैदल लगे हुए हैं। बड़ी मुश्किलों से हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, और रोड ने तो पूरी ऐसी हालत ख़राब कर दी हमारी, अब कुछ नहीं कह सकते, इतनी ख़राब रोड है। ऐसे रास्ते से हम लोग यहाँ पे जा रहे थे गाड़ी के माध्यम से, और अभी तक तो भीड़ जी सोए थे पूरी गाड़ी में, और अभी देखो कैसे भाग रहे हैं। लेकिन हमें कहाँ जाना है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक बार। हम जाएंगे यहाँ इस वाले गाँव में, ये यहाँ पर है जीजाजी लोगों का घर। और वैसे रोड तो नीचे तक कटी हुई थी, लेकिन इसे रोड नहीं कहते हैं, इससे अच्छा तो जहाँ पे जानवर जाते हैं ना, वो रास्ता अच्छा बना होता है। और पता नहीं उस टाइम पे वोट मांगने के चक्कर में इतनी रोड कटवा दी, खाली रोड काट दी है कहने के नाम से, हो गया, उसके बाद कोई देख रेख नहीं है इस रोड में। इससे ख़राब रोड तो मैंने कहीं नहीं देखी जैसी ख़राब रोड यहाँ पर है। पता नहीं लोग भाग कैसे यहाँ पर गाड़ी ले कर आना जाना करते हैं। कितना नहीं है वह लक्की, कहाँ को जा रहा है तू? गांव जा रहा है। मामा मामा ही होता है को। कहाँ जा रहा है? गांव वे बेटा। चल अभी तेरा, अब नीचे उतर जा फिर, अब तो हट नाक नो। सो गाइस, फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँचने वाले हैं घर के पास में, ये जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। ये देखो यहाँ से मतलब काफी सुंदर लग रहा है, देखो सामने सामने पहाड़ देखिए, काफी मस्त प्यारा सा व्यू लग रहा है। और ये चीज़ देखने को बहुत कम मिलेगा आप लोगों को, जो मैं ये दिखा रहा हूँ ये सामने, देखिए गाइस यही चीज़ मैं दिखा रहा था उधर भी। और ये देखिए, ये तो नीचे से ही लगा रखा है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो और इससे दूसरे उस पर लगाते हैं, ये घास मतलब सेफ्टी के लिए रखा गया, बरसात में ख़राब ना हो करके ऐसे ही इसे लगाया जाता है। और एक जो जिजाजी लोगों का कुत्ता है जो वो वहाँ से देखो भोंकने लग गया है। देखो हमारे बीर जी कितने खुश हो रखे हैं जूजू को देख के। अरे ये पहचान नहीं रहा है क्या? आपका जिया जी बोलो ना, तेरा मालिक तो वही था पहले। ये देखो ये कितना प्यारा है। अरे भौंकना नहीं, नहीं गलत बात। कहाँ ले जा रहा है? घर है?
कहाँ घर ले जा रहा हूँ बल बात क्यों दिया तूने गांव ले जा रहा है हैं जूजू को ले जा रहा है क्या तू गांव है गांव तो है ही ये देख गिरा दिया ले शाम है तू है सही या मैं क्या खा रहा है तेरी आदत नहीं सुधरी ना अभी भी हैं आदत है मैं मार खा के तो गाइस अब हम लोग जाने लग गए हैं घर के लिए और गाड़ी तो ऊपर खड़ी की है ए वीर जी कहाँ को जा रहे हैं आप घर है चलो फिर चलो आराम से चलना ठीक है हैं हाँ हाँ ऊपर है गाड़ी चल चल नहीं हाँ काफी ऊपर है भाई अभी तो बहुत ऊपर है वहाँ पे वो अब सब लोगों ने गांव घरों में छोड़ दें तो देखो पुराने घरों के हालात कैसे हो गए हैं और यहाँ तो अब कुछ खेती भी नहीं है अब राशन दे रही है सरकार तो कुछ भी नहीं है देखो बंजर पड़ा हुआ है पूरा का पूरा गांव पहाड़ में चलना कितना टफ है आ देखो कैसे पहाड़ के रास्ते हैं आ देख सकते हो आप बहुत ही मुश्किल होता है वीडियो बना के थक रहा हूँ मैं चला नहीं जा रहा है हम घर से काफ़ी दूर पहुंच चुके हैं अब थोड़ी देर में हम गाड़ी के पास पहुंचने वाले हैं गाड़ी जहां पे हमने रोकी थी हम लोग फाइनली गाड़ी के पास पहुंच चुके हैं और अब चलते हैं हम यहां से सावधानी पूर्वक क्योंकि रोड की तो हालत आप लोग देख ही रहे हैं पहले मैंने आप लोगों को दिखाया भी कुछ नहीं कह सकते हैं इससे तो अच्छे रास्ते जंगल में जो घास काटने के लिए माताएं जाती हैं उनके सही होते हैं इस रोड से तो अच्छे रास्ते और सामने वाला एरिया ये है ललुआ पानी वाला अब हम लोग यहाँ से चलते हैं बाय बाय कल जाग गाँव सो गाइस हम लोग आधे रास्ते में पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे जीजाजी का कुछ काम है तो किसी को कॉल कर रहे हैं दोस्तों ना यहाँ पे काफ़ी भयंकर रोड हो रखे सच्चे में कह रहा हूँ पूरा शरीर दर्द करने लग गया है और रोड तो पूरी ख़त्म है पूरी की पूरी ख़त्म है इतनी ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा अभी हमें बहुत ऊपर जाना है ये सामने पे दिख रहा होगा आप लोगों को मेन रोड वहाँ पे जुड़ी हुई है ये उधर पे मिलेंगे हम इस रोड से जाते जाते और ये एरिया रहा पूरा पल्सों का फाइनली हम लोगों ने गांव वाली रोड को भी क्लियर कर ही लिया है हम लोग अब पहुंच गए मेन रोड पे जहाँ से हम लोग चंपावत यानी कि कमरे के लिए तरह निकलेंगे ये रहा मेन रोड यहाँ पे मिलेंगे हम लोग तो चलते हैं अब हम यहाँ से तो फाइनली मैं कमरे में पहुंच चुका हूं और मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हाथ मुंह धो लिया है अच्छे से तो आज शरीर बहुत दुख रहा है क्योंकि रोटी इतनी ख़राब हो रखी थी वहां पे झटके इतने ज़बरदस्त लगा रहे थे खड्डों से तो मैं यहां पे फाइनली कमरे में पहुंच चुका हूं आई होप कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम जल्दी अगले न्यू ब्लॉग पे तब तक के लिए टाटा बाय बाय।